हार हो जाती है जब मान ली जाए, जीत होती है जब ठान ली जाए। जब इंसानों की अनदेखे दुश्मन से ठनी है तो उससे भिड़ने के लिए हिमालय सा हौसला चाहिए, दिल की सुननी चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए। कोरोना काल में इसकी कई मिसालें हैं, जहां सूझबूझ से भयंकर महामारी से निपटा जा रहा है। महामुसीबत में दूसरों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना वॉरियर हर घड़ी यही कर रहे हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए संकट मोचक, लेजेंड ऑफ होप्स। जिंदगी जीने का जज्बा हो तो मौत क्या चीज है, कोरोना क्या बला है। 80 बरस की ये बूढ़ी माँ उसी बला से मिलने आई, अपने बेटे की जान लेने वाले अदृश्य वायरस के आगे डटी। शरीर कमजोर है लेकिन माँ के इरादे अटल है, अपने लाल को आखिरी विदाई देने की जिद है इन्हें। बड़े ही प्यार दुलार से अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया और आज माँ की उम्र 80 साल है, अस्पताल यहाँ अपना इलाज कराने नहीं पहुँची हैं बल्कि अपने मृतक बेटे का चेहरा आखिरी बार देखने पहुंची हैं। 40 साल के इनके बेटे थे, कोरोना ने इनके बेटे को इनसे छीन लिया है। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है और आप देख सकते हैं इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बार आखिरी बार कम से कम ये अपने जिगर के टुकड़े को देख लें। कोरोना को चुनौती देते इन योद्धाओं से मिली, ये वडोदरा का अस्पताल है। कोविड वार्ड के मरीज हर फिक्र को हवा में उड़ाकर झूम रहे हैं। इस बूढ़ी माँ की तबीयत संगीत में सुधार, बेड पर थिरकते मरीज म्यूजिक थेरेपी को कोरोना की काट से कम नहीं मान रहे। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के इस नायाब नुस्खे ने सबका दिल जीत लिया। इस अनूठी पहल से मरीजों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। मुश्किल वक्त में नाम रोशन करने वालों में राजस्थान के उदयपुर के अकील मंसूरी भी हैं, जिन्होंने रमजान में प्लाज्मा डोनेट कर दो जिंदगियां बचाई। वायरस त्रासदी के बीच प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अनूठी पहल की, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को कोविड वार्ड में तब्दील करने के लिए प्रशासन को दे दिया है। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया बदलते हैं, इसलिए आपदा में बुलंद हौसला कायम रखना ही होगा। कोरोना जैसी न जाने कितनी महामारियां आई गईं, इंसानों ने अपने जज्बे से सबका सामना किया। इस कोरोना की भी एक उम्र है जो बहुत जल्द खत्म होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।